हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। मेरा नाम है गीता, मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने आज आप लोगों के साथ अपने बेडरूम का एक ब्लॉग शेयर करने का वीडियो शेयर किया है। ये देखिए मेरा बेडरूम। मेरा बेडरूम ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर जितना भी बड़ा है उसे मैंने खुद अपने हाथों से बहुत ही अच्छे से सजाने की कोशिश की है। मैंने दिवाली के बाद मैंने इस कमरे को कुछ अलग मतलब लुक देने का कोशिश किया है, जो कि आप देख सकते हैं इसमें स्टिकर वगैरह। मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या खुद से बनाया है और कैसे कैसे सजाया है। ये देखिए, ये देखिए मेरे रूम में ये जो दो हम्स दिख रहे होंगे आपको, ये दो हम्सों का जोड़ा है। ये देखिए, मैं आपको वो अच्छे से दिखा दे रही हूँ। बेडरूम में दो हंसों का जोड़ा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, इस वजह से हमने इसे ऑर्डर करके इस स्टिकर को ऑर्डर किया था। और दिवाली के बाद हम लोगों ने मतलब मैं और मेरे हस्बैंड मिल करके इस कमरे को थोड़ा अलग लुक देने का कोशिश किया है हम दोनों ने। तो ये देखिए इतना अच्छा लुक दे रहा है। ठीक स्टिकर के ठीक ऊपर में टीवी अटैच किया है हमने, जो कि पहले से ही पे था। और ये देखिए जो फ्लावर वास है, इसके जो फूल है ये हो गए थे बहुत ही पुराने, जो कि मैंने इसे अब चेंज कर दिया, तो ये अब नया और सुंदर दिखने लगा है। मैं इसे फ्रिज पर रखती हूँ, मैंने इसमें इसे रखा है, सुंदर बहुत ही सुंदर लगता है मुझे इस तरह से अपने रूम को रखना। और ये देखिए, ये भी एक स्टिकर ही था जो कि हमने लोकल मार्केट से मंगवाया था इसे। और ये देखिए, ये भी स्टिकर है जो कि बगल में एक मार्केट है, उसी से हमने इसे लाया था खरीद करके। ये जगह खाली थी तो इस वजह से मैंने यहाँ पर इसे ऐसे सजा दिया है। अरे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं फ्लावर वॉक्स, ये मैंने खुद से बनाया है, इसमें कुछ भी पैसा नहीं खर्च हुआ है मेरा, इसे फुल रेडीमेड है। और बाकी सब इसमें जो भी है, जिसका इसका फुल का जो स्टैंड है ये मैंने खुद ही बनाया था घर में पड़े मटेरियल से। और ये देखिए, ये है मेरा मनी प्लांट जो कि अब ग्रो कर चुका है। मैंने बहुत लोगों से सुना था कि मनी प्लांट पानी बहुत अच्छा ग्रो करता है, तो इस वजह से मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी लगाऊं। और ये देखिए, ये सच में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया मुझे, इतना अच्छे से ग्रो किया है। इसकी जो जड़ें आप सफ़ेद सफ़ेद देख रहे हैं, ये मैंने पानी में डालने के बाद ये सारी इसकी जड़ें आई हैं बोतल में लगाने के बाद। और ये बढ़ भी रहा है जो कि बहुत अच्छा लगता है मुझे इस तरह से नेचुरल चीज़ें घर में सजा के रखना। और ये देखिए, ये जूट रस्सी होती है उसे मैंने बस ऐसे ही बचा हुआ था, तो मैंने इसे एक बैग बनाया था, सोचा ऐसे ही सूपीस में रखूँगी या फिर कभी कभी इसे मार्केट में लेकर जा सकते हैं, उस पर कुछ सामान वगैरह रख के, या अंदर से कुछ भी गिरेगा नहीं, अंदर से कपड़ा देकर मैंने इसे अपने हाथ से बनाया था, सिला था सुई की मदद से। तो मैं अभी इसमें अपने मोबाइल को हैंग करके रखती हूँ, क्योंकि मोबाइल चार्ज करने का जो बोर्ड है वो थोड़ा ऊँचा पड़ जाता है, इस वजह से इसमें हैंग अच्छे से मोबाइल में करके चार्ज कर लेती हूँ। और ये देखिए, यह है फूल पत्ती वाली एक और स्टिकर जो कि दीवार को एक अलग लुक देता है, दीवार की शोभा बढ़ा दे रहा है मेरे रूम का। ये दो पेड़ है, और ये देखिए जस्ट बगल में एक मोर पंख है जो कि रूम में बहुत पहले लगा हुआ था, तो फिर से दिवाली में साफ सफाई हुई तो मैंने फिर से इसे यहाँ लगा दिया। ये देखिए, और ये हमारी शादी की दो फोटो फ्रेम करके ऊपर रखी गई है। और ये है मेरा बेड, और वहाँ पे जो पर्दा देख रहे हैं वहाँ एक खिड़की है छोटी सी, इस वजह से वहाँ हमने पर्दा लगा दिया है। और ये मेरा अलमारी, और ये देखिए जॉनसन्स बेबी का जो रहता है डब्बा, उसका उसको मैंने कट करके कुछ कंघी वगैरह रखने के लिए इसे यहाँ टांग दिया है। और यहाँ भी एक खिड़की, इस वजह से पर्दा लगा के रखा गया। तो ये देखिए, यही है मेरे रूम का पूरा लुक, आप लोगों को कैसा लगा? और ये देखिए झूमर, जो कि मेरी दादी ने, इसकी मेरी ननद है दूर की, उसने बना के ला दिया था, तो मैं यहाँ इसे हैंग करके रख देती हूँ। और ये देखिए मेरे
कमरे का लुक। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे साथ बने रहने के लिए।